रायपुर गांव में मोहन और सोनू नाम के दो भाई रहते थे। मोहन की शादी हो चुकी थी, सोनू अभी कुंवारा था। सोनू, मेरी मौसी की लड़की ब्याह करने लायक हो गई है, बहुत सुंदर लड़की है, तुम्हारे साथ उसका ब्याह कराऊं? अरे भाभी, आप तो हमेशा शादी की बात करती रहती हैं। हो जाएगी शादी वादी, जल्दी क्या है? उम्र निकल जाएगी, फिर हमसे मत कहना। मेरे स्मार्ट भाई को स्मार्ट बहू ही चाहिए। चलो सोनू, खेत पर जाने का समय हो गया है। मोहन और सोनू अंगूर की खेती किया करते थे। दोनों बड़ी मेहनत से खेत जोतते, खेत में पानी लगाते और फिर बीज बोते। 3-4 महीने इस तरह मेहनत करने के बाद खेत में अंगूर की फसल आ जाती। मोहन की पत्नी खेत पर खाना लेकर पहुंचती है। भाभी, मेहनत करने के बाद आपके हाथ का स्वादिष्ट खाना खाकर मजा ही आ जाता है। मेरी चचेरी बहन की ननद ब्याह लायक हो गई है, शादी करो उससे तो बताओ। लगता है आप मेरा ब्याह कराए बिना नहीं मानेंगी, लेकिन आपको लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं, मैंने लड़की ढूंढ ली है, पढ़ी लिखी लड़की है। सोनू अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेता है। एक दिन मोहन अंगूरों को इकट्ठा करके मंडी में ले जाता है और अंगूर बेचकर पैसे घर ले आता है। अरे सोनू, इस बार अंगूर का बहुत बढ़िया भाव मिला है, पूरे 80,000 के बिके हैं, ये ले 40,000। सोनू पैसे ले जाकर अपनी पत्नी को दे देता है। लो नीरज, पैसे तिजोरी में रख दो। कितने रुपए दिए हैं तुम्हारे भैया ने, पहले गिन तो लो। ये कैसी बातें कर रही हो नीरज, 40,000 है भैया ने दिए हैं, तो गिनने की क्या जरूरत? जरूरत है, तुम नहीं गिनोगे तो मैं गिनूंगी। और 40,000 ही क्यों दिए हैं? तुम्हें उनके साथ मंडी जाना चाहिए था, 1 लाख से कम में अंगूर नहीं बिके होंगे। 60,000 उन्होंने खुद रख लिए होंगे और 40,000 तुम्हें पकड़ा दिए। ऐसा नहीं है नीरज, भैया बहुत ईमानदार हैं। ईमानदार नहीं है, बल्कि तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठाते हैं। सोनू की पत्नी मोहन के खिलाफ सोनू को भड़का देती है। सोनू अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है। वो गुस्से में मोहन के पास जाता है। भैया, मुझे हिसाब चाहिए, और आज से आधा खेत आपका और आधा खेत मेरा, दोनों अलग अलग खेती करेंगे और अलग अलग ही रहेंगे। अगले सीजन में मोहन अपनी खेती अलग करता है और सोनू अलग। मोहन बैलगाड़ी से खेत जोतता है, सोनू ट्रैक्टर से जोतता है। मोहन कुएं से पानी निकालकर हाथों से सिंचाई करता है और सोनू पंप से सिंचाई करता है। मोहन प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करता है, सोनू रासायनिक खाद का इस्तेमाल करता है और अपने खेत में जमकर कीटनाशकों का प्रयोग करता है। मोहन के खेत में बहुत बढ़िया खेती होती है। मोहन के अंगूर बड़े और मीठे होते हैं, जबकि सोनू के अंगूर खट्टे और कड़वे होते हैं। सोनू रात में अपनी पत्नी से कहता है, मोहन भैया का अंगूर इतना बढ़िया हुआ है और हमारे अंगूर बिल्कुल खट्टे और कड़वे हैं। हमने मोहन भैया से अलग होकर अपना ही नुकसान कर लिया। नीरज सोनू की बातें सुनकर चिढ़ जाती है। जब रात में सब सो जाते हैं तो वो मिट्टी का तेल लेकर मोहन के खेत में जाती है और पूरा खेत जलाकर राख कर देती है। अगले दिन मोहन जब खेत पर पहुंचता है तो जली हुई फसल को देखकर खूब रोता है। मोहन फिर भी सोनू और सोनू की पत्नी पर शक नहीं करता। कहीं ये काम सोनू या उसकी पत्नी का तो नहीं? नहीं, सोनू मुझसे बहुत प्यार करता है, वो ना ऐसा करेगा और ना किसी को करने देगा। मोहन रोता हुआ सिद्ध बाबा के पास पहुंचता है। आओ मोहन, बड़े दिन बाद आए और रो क्यों रहे हो? बाबा, मेरी सारी फसल किसी ने चला दी, समझ नहीं आ रहा अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा। चिंता मत करो पुत्र, जिसने हमें जन्म दिया है वो परमात्मा सबका ध्यान रखता है, तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर घर जाओ। मोहन अपने घर लौटता है, वो देखता है कि छत से एक अंगूर की बेल लटक रही है। अंगूर की बेल कहाँ से आ रही है? मोहन उस बेल को पकड़कर
नीचे खींचता है, वो और लंबी हो जाती है। मोहन बेल को नीचे खींचता जाता है, लेकिन बेल और लंबी होती चली जाती है, खत्म ही नहीं होती। अरे सुनती हो, जल्दी यहाँ आओ, ये देखो अंगूर की बेल। मोहन और उसकी पत्नी अंगूर की बेल में से अंगूर तोड़कर बोरी में इकट्ठे कर लेते हैं। तुम इतने अंगूर जाकर बेचाओ, तब तक मैं बेल खींच खींच कर और अंगूर तोड़ लेती हूँ। जादुई अंगूर की बेल के अंगूर बेचकर मोहन को बहुत फायदा होता है। वो अपनी पत्नी के लिए साड़ी और बहुत सारी खाने पीने की चीजें लेकर आता है। उधर सोनू भी अपने अंगूर मंडी में लेकर जाता है, लेकिन उसके खट्टे और कड़वे अंगूर कोई दुकानदार खरीदते ही नहीं। परेशान होकर सोनू सारे अंगूर फेंक कर चला जाता है और घर आकर रोने लगता है। शाम को जब मोहन और उसकी पत्नी खाना खा रहे होते हैं, तो सोनू अपनी पत्नी के साथ उनके घर पहुंचता है। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैंने ही आपकी फसल जलाई थी। हमें माफ कर दीजिए भैया, हमारे घर खाने को कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं सोनू, कभी कभी छोटों से गलती हो जाती है, बड़ों का काम है उन्हें माफ कर देना। मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ, अब से हम सब मिलकर ही रहेंगे। एक गांव में आकाश और विकास नाम के दो दोस्त रहते थे। आकाश गरीब था जबकि विकास अमीर था। कल यार पापा एक साइंस एग्जीबिशन में गए और दूरबीन खरीद लाए। बड़े लोग बड़ी बातें, अगर अच्छे दोस्त ना हो तो अमीरी में भी कोई सुख नहीं है। चल मैंने कल लस्सी पिलाई थी, आज तू समोसे खिला, चलो बाजार चलते हैं। आकाश और विकास बाजार जाते हैं तो देखते हैं कि दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई है। दोनों दोस्त दुकान के पास जाते हैं। काका दुकान पर इतनी भीड़ क्यों है? समोसे की नई दुकान खुली है, ऐसे बढ़िया समोसे हैं, एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। ला पैसे दे, दो समोसे खरीद लेता हूँ। नहीं बस तू अपने लिए खरीद, मुझे खट्टी डकारे आ रही हैं। आकाश अपने लिए एक समोसा खरीद रहा होता है, तभी विकास की नज़र समोसे बेचने वाले पर पड़ती है। विकास समोसे बेचने वाले को कुछ शक की निगाहों से देखता है। बड़ी मुश्किल से एक समोसा मिला है, वाह ऐसा समोसा तो मैंने पहले कभी नहीं खाया, तुम भी खा कर देखो, एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। इस दुकान का नाम देख लेता हूँ, कल फिर यहाँ आऊंगा। आकाश दुकान का नाम देखता है, दुकान का नाम होता है जादुई समोसे। तुमने एक बात नोट की? क्या? हर कोई समोसे वाले के समोसे की तारीफ कर रहा है और कह रहा है एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। मुझे तो जादुई समोसे में कुछ गड़बड़ लग रही है, उस समोसे वाले को देखकर भी मुझे शक हो रहा है। जासूसी नॉवेल पढ़ पढ़कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, चलो घर चलते हैं, अंधेरा हो गया है और बारिश भी आने वाली है। आकाश और विकास अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन आकाश जब सोकर उठता है तो उठते ही उसे जादुई समोसे वाली दुकान के समोसे खाने का मन करने लगता है। आकाश का चारपाई बुनने का खानदानी काम था। बेटा रामपाल अपनी खटिया दे गए हैं, सादा बुनाई डालनी है उसमें। जी पिताजी। आकाश खटिया बुनने बैठता है लेकिन अपने काम में बिल्कुल ध्यान ही नहीं लगा पाता। पिताजी मैं समोसे खाने जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। दो तीन दिन तो आकाश के पिताजी ने आकाश से कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर एक दिन आकाश जब सुबह सुबह समोसे खाने जाने लगा तो पिताजी ने उसे टोक दिया। ये रोज रोज क्या समोसे खाता रहता है, पेट खराब कर लिया है तूने समोसे खाकर अपना। पहले तो तूने इतने समोसे कभी नहीं खाए, लेकिन पिछले दो तीन दिनों से तो तूने हद कर रखी है, आज मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। लेकिन पिताजी मैं बिना समोसे खाए नहीं रह पाऊंगा। आकाश के पिताजी ने आकाश का हाथ पकड़ लिया, लेकिन आकाश फिर भी नहीं रुका। गांव वालों मेरा लड़का पागल हो गया है, जरा इसे रोकने में मेरी मदद करो। आकाश के पिताजी आकाश को पकड़ते हैं। पिताजी को एक आदमी पकड़ता है, उस आदमी को दूसरा आदमी पकड़ता है, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा, इस तरह पूरी एक चेन बन जाती है। आकाश अपने पिताजी से हाथ छुड़ा लेता है, पूरी चेन एकदम से गिरती है।
आकाश उस दिन भी जाकर समोसे खाता है। अगले दिन आकाश के पिताजी विकास के घर जाते हैं। विकास बेटा, पता नहीं आकाश को क्या हो गया है, बाजार में जादुई समोसे नाम की जो नई दुकान खुली है, बार बार उसी दुकान के समोसे खाने जाता है। आप चिंता ना करें अंकल जी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उस दिन जब रात को जादुई समोसे की दुकान का मालिक दुकान बंद करके अपने घर की ओर लौट रहा था, तो विकास ने दूरबीन से उसे देखा। विकास दुकान के मालिक का पीछा करता है। बहुत जल्द पूरे गांव को हमारे समोसे की लत लग जाएगी, तब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। गांव वाले मूर्ख जानते ही नहीं कि तुम एक केमिस्ट हो और समोसों में नशीला पदार्थ मिलाते हो और फिर लोगों को समोसे की लत पड़ जाती है। हल्के बोल, किसी ने सुन लिया तो मारे जाएंगे। विकास सारी बातें सुन लेता है। अगले दिन विकास कुछ गांव वालों के साथ जादुई समोसे वाली दुकान पर पहुंचता है। क्या बात है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये हम तुम्हें बाद में बताएंगे। मुखिया चाचा, पहले तुम समोसे खाओ। मुखिया चाचा समोसे खाते हैं। अब मेरा और समोसे खाने का मन कर रहा है। सच सच बताओ, तुम अपने समोसे में क्या मिलाते हो? आलू और मसालों के अलावा मैं कुछ भी नहीं मिलाता अपने समोसे में। सच बोल दो, वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस का नाम सुनते ही दुकान का मालिक डर जाता है और सब कुछ कबूल कर लेता है। मुझे माफ कर दो, अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए मैं समोसों में नशीला पदार्थ मिलाता था, ताकि लोगों को समोसे की लत लग जाए और वो बार बार मेरी दुकान पर समोसे खाने आए। विकास तुरंत पुलिस को फोन लगाता है। पुलिस आकर केमिस्ट को गिरफ्तार करती है। इसीलिए मैं तुमसे कहा करता था कि बाहर की चीजें ज्यादा नहीं खानी चाहिए।